हम लोग मिल्कीपुर के आखिरी छोर पर हैं और धर्मगंज एक चौराहा पड़ता है, तो हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर देखा कुछ लोग, दादा लोग जो है छांव में आराम से चुनावी ही चर्चा कर रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना इन लोगों से मिल्कीपुर के बारे में, चुनाव के बारे में चर्चा की जाए। क्योंकि मिल्कीपुर का चुनाव, जैसे जैसे चुनाव की भी डेट की तो घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जैसे चुनाव नज़दीक आता चला जा रहा वैसे यहाँ पर चुनावी माहौल भी इस भीषण गर्मी में गर्म होता चला जा रहा। तो दादा लोग हैं, आराम से आप बैठिए। तो सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हैं, पहले तो ये बताइए कि मिल्कीपुर का माहौल कैसा है, यहाँ का उपचुनाव इस बार कैसे देख रहे हैं, किस नज़रिए से आप लोग देख रहे हैं? माहौल तो बहुत अच्छा चल रहा है। किसका चल रहा है, समाजवादी पार्टी का चल रहा है फिर बीजेपी का चल रहा है? नहीं, यहाँ तो बीजेपी का चल रहा है। बीजेपी का चल रहा है, बीजेपी किस लिए? उसका अच्छा काम है। क्या काम है? जैसे रोड नंबर 1 का बनवा दिए। अच्छा। हम सबको एक घंटे लगता था फैजाबाद पहुंचने में। हाँ। अब वही हम 30 मिनट पहुंच जाते हैं। अच्छा। बिजली पहले से बहुत बेहतर है। हाँ। लोग सम्मानित पा रहे हैं, किसानों का फ्री में गल्ला मिल रहा है। बस थोड़ा सा उनके लिए बस एक ही पर्सन का क्वेश्चन आता है, जो भी आता है, जो भी लोग बताएंगे कि जो जानवर लोग छूटे हैं। जानवर क्या लगता है कि आपका अवधेश प्रसाद जब यहाँ के विधायक थे, एक बाबा गोरखनाथ, किसके कार्यकाल में अच्छा काम हुआ यहाँ पर? अरे कौन पार्टी आगे चलते? अब यहाँ तो भाजपा ही का काम किया, जो भी किया है। अच्छा। अवधेश तो हमारे लगता है कोई काम नहीं किए हैं। कोई काम नहीं। अच्छा, उनके लड़के मैं, हाँ, कुछ स्कूल का बनवाए थे जब अवधेश, लेकिन हमारे यहाँ पर्सनल कोई काम नहीं दिखता है। उनके लड़के अगर चुनाव मैदान में भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं वगैरह आते हैं, तो क्या लगता है कि चुनाव कैसा रहने वाला? चुनाव हार जाएंगे। हार जाएंगे बिल्कुल। अरे गौधिया से एक हाथ सड़क खाएंगे। हाँ, हाँ, उनके बेटा नहीं दादा, सड़क है, एक हाथ कम कही दही, कम कर दही। हाँ, चौड़ान कम है का? चौड़ान कम कही दी, नहीं रही पहले फुल रही, फिर एक हाथ कम कही दही ने का। हाँ, फिर 3 मीटर हो गए तो उनका उनका ही बेटा आई है, तो आधी कही दही है हमारे सबका, आ जाए के भैया अगर न रहे। हाँ, आधी तो ना करिए दादा। अरे भाई का कोनो ठीक है भाई, जो मंत्री हो वो हो ही जाई है विधायक। हाँ, सही बोलबो के। हाँ ठीक है। हाँ दादा बोलो, सही बोलो, डराओ ना दादा। हाँ भाई, कोई डिस्टर्ब ना करो दादा का। आप बताओ। हाँ, चुनाव में पड़ रहा की का भारी है? बीजेपी का है भैया। है? हाँ, हमका लग रहा है हम जहाँ सपा का ज्यादा पड़ा भाई लग रहा है। कुछ को नहीं है, क्यों बताओ। अरे सपा का सांसद रहे हैं, सपा के विधायक रहे हैं। नहीं तो सांसद कैसे बन गए फिर? के अवधेश जी, अवधेश बन गए भाई। अब धर्मगंज में कोई काम हम कहेंगे नहीं अवधेश जी? अवधेश प्रसाद जी ने कुछ धर्मगंज में काम कराया? कौन काम कराए बताइए, बताओ। अरे कुछ कोई विकास? कौनो विकास नहीं है, मुंह नहीं दिखाते अवधेश। हाँ, जीत जाते हो। हाँ, तू का कहता है? तो बीजेपी वाले कोई आ रहे हैं? वो नहीं होते भाई। हाँ, कोई नहीं होता है भैया। एक मिनट की तो आप ही लोग बोल लीजिए, की तो हम ही बोल रहे हैं, अभी आपसे पूछ लेंगे। दादा ये बताइए, इतनी नाराजगी क्यों है आपको सपा से? कौन नाराजी है भैया? हाँ। अरे सपा कहती पीडीए है उनके साथ, सबके साथ रहते हैं, पीडीए का समर्थन बताइए। नहीं ना भैया, अखिलेश यादव पसंद है नहीं आपको? नहीं। का है? कुछ नहीं भैया, क्यों कोनो काम नहीं करे, का करे यहाँ? नौजवान है दादा वो। अरे नौजवान है, कोनो लड़ाई का बाय भैया? सब लोग कुश्ती लड़ाई का बाय। नहीं, नौजवान सोच नहीं रहती ना उनकी। योगी जी में क्या है दादा? योगी जी में क्या क्वालिटी है, खासियत क्या है योगी जी में? अरे भैया, ये गल्ला दिए तहा, ये सब दिए तहा, पिंसिन दिए तहा। हाँ। ये तो सपा कांग्रेस करे, हमोक बनो सरकार, हमू देवे। दादा का खा रहे हो यार? एकरे पहलवा रहे भैया, कहे नहीं दीन ही। मौका दियो एक बार। अरे मौका पिन दिए अब। मौका भाई, वो तो मांग रहे ना मौका। अच्छा, और कोई समस्या है यहाँ? अरे भैया, गोरु रात में रखा एक परत है। हाँ, अब समस्या पायो है। हाँ, फिर वो सरकार चाहत भाजपा चाहिए आपका? भाजपा चाहिए भाई, चाहे जानवर रात भर रखा पड़े। और वो तो रखाते ही फिर रखा एक परे। हाँ हाँ, तो सपा वाले करे, अगर हमारी सरकार है तो जानवर समस्या छुटकारा मिल जाएगी। क्यों छुटकारा कारण दे भैया, बात जरूर ये इलेक्शन बात जरूर छुटकारा दी है। हाँ। बात छुटकारा भैया आप बताइए, चलिए आपसे बात करें। दादी कुछ कहना चाहती क्या भैया? हम कुछ न कहबे। हाँ,
अब मैं अखे घर द्वार गिर जात करूँगा नहीं क्यों ना दे सका तो कहा कहा कि क्या जीता भाई या का बताओ कुछ मिला नहीं आपका का मिला है चलो देखो आया हम मौके पे चला लखनगंज से बंधन करवा देखो का हमार सबके बना भाई भाजपा सरकार में कुछ नहीं मिला है का मिला चलो देखो कुछ नहीं मिला कुछ ना मिला तो यहां नेतन से कहो अरे तो यहां का नेता का जाने हुए तो का हम कुछ औते ना अम्मा समस्या बहुत जायज है भाई यहाँ के जो जो नेता है उनको बताने जरूरत है भैया आपसे आइए आइए थोड़ा आइए अभी बहुत कुछ बोल रहे थे भैया बताइए क्या कर रहे हैं पहले तो माता जी की समस्या का समाधान कराइए भाई आप लोग माता जी सही कहा यहाँ कॉलेज नहीं मिलता है भाई जानवर से आदमी ज्यादा परेशान बा बाकी सब ठीक है क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी का मामला चल रहा है भाजपा नहीं भाई कोई आंकड़ा नहीं निकाल पा रहा है जैसे लोकसभा में निकाल पाई सो विधेयक नहीं निकाल पाता है क्या दिख रहा क्लोज दिख रहा है या फिर एक तरफा दिख रहा एक तरफा नहीं दिखा रहा है वोटर जो है गुपचुप वहाँ सब कुछ विकास होगा चौधरी जी यहाँ के लिए किए नहीं कौन विकास ना उद्देश्य लल्लू सिंह आवा कब हो पाँच साल बीत गए लोकसभा चुनाव जीता रहे ना देखो समस्या नहीं सुना कब रामगंज कोई आता नहीं है क्यों भैया कोई नहीं आता बोल दीजिए दो लाइन में विकास के बारे में बता दीजिए नहीं नहीं भैया यहाँ कोई नहीं आता कोई नहीं आता नहीं क्या लगता है कि यहाँ से जो है प्रेम इसने नहीं है क्या उन लोगों का नहीं इसने है एक तो बॉर्डर पड़ जाता है और दूसरी बात जैसे आपने कहा कि सांसद और देव प्रसाद क्यों हुए भाजपा के कैंडिडेट की वजह से अच्छा तो ऐसा नहीं कि मिल्कीपुर के उपचुनाव भी कैंडिडेट वैसा हो तो फिर बीजेपी निकल जाए यहाँ भी कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करेगा मतलब इसका मतलब है कि अजीत प्रसाद भारी हैं नहीं हम ये नहीं कह सकते अभी जब तक बीजेपी का कैंडिडेट नहीं क्लियर होता है कोई कुछ नहीं कह सकता चलिए भैया आप बताइए नौजवान है कैसी सरकार चाह रहे हैं सरकार भैया वही बीजेपी हम भी चाह रहे हैं दाढ़ी खजूर हम सोच कुछ बदले वाला माहौल है ना ही हाँ बीजेपी किस लिए अरे किस लिए नहीं आप बताइए इसमें क्या क्या कमी है कमी क्या आपको लगता है अरे आप बताइए कमी नहीं कमी हमें तो कोई राज है बेरोजगारी महंगाई सरकार में नहीं जो कर रहा है उपा रहा है भैया आपके अंदर काबिलियत है तो आप पाएंगे अच्छा जी हाँ अखिलेश यादव भी नौजवान है नए बूढ़े थोड़ी बोल रहे हैं को बूढ़े हो गए तो अवधेश जी बूढ़े हो गए उनको हटा देना चाहिए हटाए तो सांसद हो गए भाई ना तो वही तो आपको उनके लड़के इस बार मैदान में आ रहे हैं ना ठीक है फिलहाल लगता नहीं ऐसा कुछ नहीं हाइट नहीं दे पाएंगे नहीं धर्मगंज में कौन सा ऐसा काम हुआ है बहुत काम हुआ है भैया इस जो सड़क आप देख रहे हैं यहाँ सपक तो कुछ पता ही नहीं तो क्या बताएं भैया यहाँ विधायक थे हाँ थे हम ये थोड़ी बोल रहे हैं नहीं थे हाँ लेकिन कुछ किए हो तब ना कुछ नहीं किए सपा ने कुछ नहीं किया जी नहीं बीजेपी ने क्या किया बीजेपी बहुत काम किया है ये देखो यही सड़क पहले सकरी थी अब चौड़ी हो चुकी है दादा कहीं ने सड़क जो है छोटी कर दी है हाँ हाँ अभी बाबा जी बोले ना हाँ अच्छा दादा आप बोलेंगे क्या बोलेंगे अरे दो लाइन बोल दो कुछ शर्मा आ रहे हैं भैया बोलने में कुछ आप लोग बोलेंगे आप बोलेंगे दादा आप यहीं रहने वाले हैं मिल्कीपुर के चलिए बात कर लेते हैं यूपी 33 नंबर गाड़ी थी कि हम सोचा क्या लग रहा है चुनाव मिल्कीपुर का ठीक है बीजेपी बढ़िया है बीजेपी बढ़िया है काहे के लिए बीजेपी बढ़िया है सब पार्टी तो लगी बीजेपी खराब है बता रहे हैं चश्मा उतार जी अब अलग अलग अपना मत है अब ये राष्ट्रवाद को लेकर के ज़्यादा चलते हैं केवल ये कि उद्देश्य इनका है बाकी कर्मचारियों के हित में तो नहीं है कर्मचारियों के हित में नहीं बीजेपी चलिए एक भैया इनसे बात कर लेते हैं बात करेंगे क्या बोलेंगे चलिए युवा कैसे सरकार चाह रहे भाई आप बीजेपी सरकार चाह रहे हैं बीजेपी सरकार जी खुश हैं युवा अरे एकदम खुश है भैया बता दें युवा तो नौकरी नहीं पाते सरकार में अब जो पढ़े लिखे ना वो नौकरियाँ कहाँ से पाए भैया जो पढ़े लिखे वो पाए नौकरियाँ अखिलेश जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार बने तमाम रोजगार दे देंगे हाँ जगह घुसवा लिए एक बार रोजगार दे पे करे अच्छा और का तो आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी में घूस चलता है बिल्कुल चलता है भैया बीजेपी आएगा तब सब मामला ठीक होगा यहाँ मिल्कीपुर में क्या देख रहे हैं मिल्कीपुर में तो लगातार समाजवादी पार्टी का कब्जा है इस बार क्या लग रहा है गोरखनाथ बाबा जीत रहे चुनाव गोरखनाथ बाबा की टिकट ही नहीं पता कंफर्म है कि उनको टिकट मिलेगी टिकट मिल जाएगा ना मिले तब कोई भी प्रत्याशी मिलेगा बीजेपी यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में जीत जाएगी भैया क्यों कारण क्या है लोकसभा आप हार गए विधानसभा भी हार गए जी कैसे
2024 में क्या सॉरी उपचुनाव क्या लोकसभा थोड़ी चूक हो गई भैया, नहीं तो हम अच्छी करा हार जताई। अजीत प्रसाद समाजवादी पार्टी से शायद मैदान में, वो पंची जीता है, ठीक पंची चुनाव जीता है। अरे पिताजी उनके सांसद हैं। अरे पंची सांसद बाप सांसद है, मतलब बेटा विधायक बन जी, आपको लागत भाई सा? सकत भाई बिल्कुल ना बन पाई भैया, सपा का माहौल है। अरे एकदम ना ना पीडीए चल रहा है, कोई पीडीए नहीं चल रहा है इस बार, पीडीए मिल्कीपुर में काम नहीं करेगा, नहीं काम करेगा, नहीं काम करेगा। बीजेपी से बहुत दो दर्जन प्रत्याशी हैं, क्या देख रहे हैं आप? बाबा गोरखनाथ को मिलना चाहिए टिकट, वो अच्छे प्रत्याशी हैं, समर्थक हैं आप हमको जी? समर्थक क्या है, अब जो हार में भी एकदम पार्टी के साथ एकदम लगा था, जीत में भी था वो, तो उम्मीद करते हैं उसी टिकट मिलना चाहिए। धर्मगंज के लिए क्या किया समाजवादी पार्टी के विधायक थे अवधेश प्रसाद, बाबा गोरखनाथ आपके सामने जितनी लाइट लगी है चौराहे चौराहे पे, ये सब विधायक जी का ही देन है। अच्छा जी, समाजवादी पार्टी ने क्या किया? कुछ ना करे भाई, ये सड़कियाँ थोड़ी चौड़ी रही वो कम कर रही थी, कम करने काम किया। हाँ एकदम, सुना बड़ा दबदबा रहता समाजवादी पार्टी के लोगों के यहाँ। कौन दबदबा है ना भैया? बाबू मित्रसेन यादव जी का था और वो उस काबिल थे भैया, वो उस काबिल थे, और कोई यहाँ मंत्री मंत्री जी का झूठा मंत्री है आप सुन ही रहे हैं विधायक जी बोल झूठ क्यों? ये ट्रेंड बहुत चल रहा है, इसका कारण क्या है? अब बहुत कारण भाई, खटाखट वाला आप देखे की ये सब झूठे तो है, कौन सच्चाई भाई? अम्मा जनता उसमें बटोर नहीं दिए, देखो आपकी बटोर देव की सटासट कही दे इनका एकदम सपा सब। अच्छा सटासट एकदम। चलिए माहौल बदलने वाला, क्यों दादा क्या लग रहा? पसीना बहुत आ रहा, गर्मी का मुंह धुल गया है, दहिया में खून है भैया, पानी ना है ना। बात तो सही है आपकी, क्या लग रहा बताइए? अब सब काव बताई काव हाँ हुए, बाकी अब योगी जी उन पर हमारा ना आरा मशीन चलती है जब से आई। अच्छा, हमारे सबके खेती ने बारी काव खाई घंटा। धन्यवाद, तो सही है। हाँ, पहले कैसे खाते थे? अरे पहले चल रही है सपा सरकार, सपा सरकार चल रही मशीन, मतलब सरकार वापस हुए चाहिए। अब वापस हुए ना हुए, लेकिन कि कुल मिलाकर इनके कहीं समझ में नहीं आवत भाई, तो इनकी समस्या देखो बता रहे थे पहले, सब सब पहले बताइए, सब वाला कम बताइए भैया, क्या कह रहे हैं? वो सब छोड़ो, ये कह रहे हैं कि भाई पहले इनका रोजगार चल रहा था, या तो उतनी खेती बाड़ी हुए, या तो खेती बाड़ी, क्या काम करते हैं आप? हम बढ़ईगिरी करी थी। अच्छा बढ़ई है, बंद हो गया, अब कहीं नहीं चलता है आपके? अरे जे यहाँ अधिकारी बात 10,000 रुपया महीना घूस मांगता है, चाहे चलाओ चाहे ना चलाओ 10,000 रुपया महीना। अरे आपका लाइसेंस हुई ना? लाइसेंस हुआ तब का रहा, तब तो कोनो झंझट नहीं रहा, बिना लाइसेंस के कहाँ चल पाई दादा? भैया बस सुल्तानपुर जिला में जा देख लिया, वहाँ का अधिकारी सही है, वहाँ ले देखे चलाओ भाई साहब। समाजवादी पार्टी में चल रहा था, जैसे उनको अधिकारी घूस दे दिया जाता था तो शांत हो जाते थे, मुँह बंद हो जाता रहा, अभी भाजपा में ना हो पाए भैया, भाजपा में ना चल पाई, भाजपा में वहाँ सुल्तानपुर में चल जाए, दिखाई दिए चलो अब चलो सुल्तानपुर में, अब चलो दिखाई भैया हुआ से हम सभी चिरा, तो लाइसेंस बनवा लियो ना। अरे बना तो ना बनौते ना बनाऊ नहीं, सबका तो पहले से बनवा लेती सरकार में, सपा सरकार में। अरे तो 25-30 साल 35 साल पहले हम जो रहा बन आए बहन से इनकी जाए भाई। भैया हाँ, इतने यहाँ लड़के खड़े हैं बेरोजगार हैं, आप इनसे पूछिए इस गवर्नमेंट में कि रोजगार मिला कि नहीं मिला, उम्मीद है कि नहीं, अभी भी मैं कह रहा हूँ उम्मीद है कि नहीं, इतने बेरोजगार हैं किसी से पूछ लीजिए। हाँ बताइए भाई, चलिए बताइए, नहीं बोलेंगे, बोलने के लिए तैयार ही नहीं है, क्या पूछेंगे बताइए? सही है सही है कोई दादा आपको, भाई आपसे बात कर लेते हैं, क्या लग रहा है माहौल कैसा थोड़ा सा बताइए? माहौल ठीक है भाई, ठीक है। हाँ हाँ सपा का, हाँ उधियस का है, उधियस माहौल ठीक है। हाँ उधियस के बेटवा का किए दादा, उधियस बेटवा हाँ हाँ। अरे काओ कहीं काओ, जैसे सभी करता है वैसे की, जैसे सभी करता है वैसे की ही नहीं। और दादा कहा कि यहां तो कोई काम नहीं करेंगे भाई, हां दो मिनट ना बोलिए भाई, वो दादा कहते कुछ यहां के लिए कुछ किया ही नहीं उन्होंने, काओ कहीं नहीं, हेलीपैड उतरा ही नहीं काओ कहती आओ हाँ हेलीपैड, वो हेलीपैड उतराई वह जो रहा हुआ कहे काओ कहती 5 नंबर पर कब आए, जब वो आवे के रहा उनका जोगी कहाँ है तो खड़ा दी नहीं। अच्छा दादा को समझ नहीं पा रहे, चलो भैया आपसे 2 मिनट, आप कहाँ जा रहे हैं आप बताइए, क्या लग रहा है माहौल कैसे देख रहे हैं आप? माहौल ठीक है, ठीक है। अरे यहाँ तो माहौल ना भाजपा का ही ठीक है ना सपा का ही ठीक है। देख के ना बात करो, हमका देख के बात करो, हम कला का व्यापारी है क्या? हाँ इसीलिए मामला गड़बड़ा जाएगा क्यों, इसीलिए थोड़ा मिसमैच कर, बताइए असली मामला क्या है? अरे ठीक है माहौल, क्या होने वाला है यहाँ पर, माहौल बदलने वाला है फिर? नहीं बदलेगा तो बदलेगा, चलिए ठीक है। फिलहाल हम लोग मिल्कीपुर के धर्मगंज बाजार में हैं और यहाँ पर हम लोगों ने लोगों की राय ली, कई लोग हैं, कई नौजवान युवाओं बुजुर्ग राय ली, एक बात तो तय है इस बार बता रहे हैं कि मिल्कीपुर का माहौल बदलने वाला, अब देखते हैं क्या बात होती, कैसे क्या माहौल रहने वाला है।